यहाँ ये फीड खाती है बर्ड। अच्छा, फीड यहाँ पे। ये इसका पानी पीने का सिस्टम है, नोजल है जिससे वो ड्रिंक करे, उसको बोलते हैं हम लोग, पानी पीती है। जी जी। अंडा यहाँ पे, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे आता है, जो फिर मैन्युअली कलेक्ट करके हम लोग इसको ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे भाई? आशा करता हूँ सारे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज अपन मेरठ आए हैं, मेरठ में यहाँ पे एक पोल्ट्री फार्म है। यहाँ पे अभी 90,000 लेयर बर्ड्स हैं और बहुत अच्छा एक प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। बहुत शानदार पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे अभी इस फार्म के ओनर भी अवेलेबल हैं, तो चलिए मिलवाते हैं आपको इस फार्म के ओनर से और कराते हैं इस फार्म का छोटा सा टूर। तो दोस्तों यहाँ से होती है इनके फार्म की शुरुआत। जैसे कि बोर्ड पर लिखा है, यहाँ मुर्गी व अंडा सेल नहीं होता। इसका मतलब इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं बाहर, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है, पर अपने पास आज्ञा है आज तो अपन चलेंगे अंदर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया। बताइए। सबसे पहले तो ये माइक लगा लीजिए। आपके फार्म पे आए आज और हमने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म नहीं देखा, और सबसे पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ चौधरी है, मेरा गांव शाहपुर जैनपुर रोटा रोड मेरठ का रहने वाला हूं मैं, और आपका स्वागत है मेरे इस कुछ पोल्ट्री फार्म में। भाई साहब के साथ बहुत बड़ा है, मेरे साथ छोटा है। जी जी। अच्छा भैया, ये बताओ इसकी शुरुआत कैसे हुई? इतना बड़ा एक इंडस्ट्री लेवल पे काम करना, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगती है और प्लस मैन पावर, और एक सबसे बड़ी बात है एक मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए इसके लिए, इस काम के लिए। आप तो कैसे शुरुआत हुई? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूं। जी जी। और मेरा जो बेसिकली काम है लोगों के प्लांट चला के देना के काम है, हमारा एक इंजीनियरिंग सर्विस है। जी जी। वहां से मेरा ये व्यू आया है कि भी ये एक ऐसा काम है मेरे पास, यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है अपने, मेरा गांव है, तो इसलिए पितर की मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। जी जी। तो मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मेरा लैंड का भी यूज़ हो और एक तरीके से कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी हो और मैं अपने गाँव के लिए भी कुछ कर पाऊँ। जी जी। उसको लेते हुए मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये एक 2013 में गवर्नमेंट की स्कीम थी लेयर फार्म की। जी। उसको मैंने वहाँ से गवर्नमेंट की फार्म से अपना ये पूरा लिया है और वहाँ से स्टार्ट किया है। 2016 में हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया है। स्टार्ट हमने 30,000 बर्ड से किया था और अभी 90,000 बर्ड आपके इस फार्म में अवेलेबल है। मतलब अपने गाँव में ही एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। देश की तरक्की उन्नति में आपका योगदान है। बिल्कुल, जितना भी हो सकता है हमारा, हमें हर एक शख्स को ऐसा करना चाहिए। मेरा गाँव है, अगर मैं अपने गाँव को बढ़िया करूँगा तो मेरा देश बढ़िया। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा दोस्तों, यहाँ से शुरुआत होता है इनका फीड रूम। सर यहाँ पे क्या क्या है फीड में आपके पास? ये हम जितना भी बर्ड को फीड लगता है ओन अपना जनरेट करते हैं। जी। जैसे मक्का हमने लिया है, बाजरा हमारे पास में है, ये DOC है, कुछ पत्थर पाउडर आप देख रहे हो, पत्थर पाउडर है। जी जी। ये सबको मिक्स करके इसका फीड बनता है जिसको बर्ड खाती है। जी। और एक जिसको मैं कहूँगा न्यूट्रिशन फुल अंडा मुर्गी देती है। जी। और उससे सस्ता न्यूट्रिशन अभी कहीं वर्ल्ड में क्या मतलब अवेलेबल नहीं है, इतना सस्ता आपको न्यूट्रिशन कहीं नहीं मिलेगा। तो मतलब यहीं पर आप मिक्सिंग करते हैं सब कुछ? हमारे यहाँ ओन है, हम मार्केट से कुछ नहीं लेते। जी जी। तो क्रशिंग कराते हो ना इसकी? तो उसका ये आप साइड में देखोगे तो एक छोटा सा फीड मील है। अच्छा अच्छा, यहाँ है, यहाँ से सबको मिक्स करके ये जाता है। अच्छा, यहाँ फीड मिल है इनका और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे इन्वेंट्री है इनके पास। ये हमारा फीड मिल है जो यहाँ पे मिक्सर और ग्राइंडर है। जी। ये ग्राइंडर है जहाँ पे ग्राइंड करते हैं चीज़ों को और यहाँ पे मिक्स होके फिर ये फीड रेडी तैयार होता है जो अपने हम बर्ड को इंटेक कराते हैं। जी जी। तो मतलब आप फीड कंपनी का फीड भी इसमें मतलब थोड़ा मिलाते हैं? कंपनी का ये एक्चुअली बहुत सारी मेडिसिन इसमें यूज़ होती हैं। जी जी। तो उन मेडिसिन का मिक्स करने के लिए ऑटोमेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जी जी। वो ऑटोमेशन यहाँ पॉसिबल नहीं है फार्म पे, तो उन सबका मिक्स है ये। आप देखोगे तो ये एक कंसंट्रेट है, 25% ये डलता है, बाकी अपने 75% बाकी चीज़ें डलेंगी। जी जी। तो ये हम एक कंपनी है वेंकी जिसका हमारे पास वर्ड है, उसका कंसंट्रेट लेते हैं, मेडिसिन का मिक्स है। जी। तो यहाँ पॉसिबल नहीं है फार्म में, इसलिए बाहर से लेना पड़ता है। तो चलिए देर ना करके चलते हैं शेड के अंदर और अपने दर्शकों को आपके बर्ड्स भी दिखाते हैं और कैसे यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है वो भी दिखाते हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ा शेड है इनके पास और इनके पास टोटल अभी 8 शेड है ना सर? अभी हमारे पास 5 शेड हैं। अच्छा, 15,000 के हिसाब से 5 शेड हैं और एक 15,000 की ब्रूडिंग है, मतलब 6 शेड हमारे पास है। 6 शेड हैं टोटल। जी जी। और कितना एरिया है मिनिमम आपके शेड का? टोटल एरिया जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ करीब 8 एकड़ लैंड है हमारे पास में। जी जी। जो ऑक्यूपाई हो रखी है 4 एकड़ के आसपास। सर इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने में कितना इन्वेस्टमेंट होता है? अभी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक शेड के ऊपर मोटा मोटी 1 से 1.25 करोड़ रुपया आपका खर्च होएगा।
अगर हमारे पास 5 शेड हैं तो हमारे पास मोटर 6 करोड़ लोग इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। जी जी, तो अगर कोई उद्योगपति है वही कर सकता है इस काम को शुरू। अगर देखो फार्मिंग और एक कॉमर्शलाइज करना थोड़ा सा डिफरेंट है, कॉमर्शलाइज करना पड़ेगा तो आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। जी जी, तो उस लेवल से तो बड़ा एक इंडस्ट्री, एज ए इंडस्ट्री ही इसको चला रहे हैं हम लोग भी, वही कॉन्सेप्ट के साथ इसको काम कर रहे हैं जी। अभी हम लेके चलते हैं, अपना एक लेयर का शेड है वहाँ पे, जो हमारा बर्ड जहाँ पे लेइंग स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन आता है जी, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। जी जी, तो दोस्तों हम चल रहे हैं शेड की तरफ और यहाँ पर है केज सिस्टम में पल रहे हैं यहाँ पे लेयर के बर्ड्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा लेयर का बर्ड है। जी जी, और ये इसका प्रोसेस है, यहाँ ये फीड खाती है बर्ड। अच्छा, फीड यहाँ पे। ये इसका पानी पीने का सिस्टम है, नोजल है, नोजल है जिससे वो ड्रिंक कर, उसको बोलते हैं हम लोग, पानी पीती है। जी जी, अंडा यहाँ पे इसका प्रोडक्शन यहाँ पे आता है, जो फिर मैन्युअली कलेक्ट करके हम लोग इसको ट्रे में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे ट्रे रखी है, ट्रे में रख देते हैं, ट्रे में रख देते हैं। और अभी यहाँ गाड़ी गई थी तो मतलब यहाँ से चला गया वो, यहाँ से डेली का जो है प्रोडक्शन जो है इकट्ठा करके ये लोग हमारे एक स्टोर रूम में वहाँ पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी सेल वाली गाड़ी फार्म के अंदर एंटर नहीं होती। जी जी, बिल्कुल, वो बाहर से बाहर ही जाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने आपके गेट पे एक चीज़ देखी थी लिखी हुई, मुर्गियाँ और अंडे यहाँ से नहीं मिलेंगे, तो आपका क्या सिस्टम है? थोड़ा सिस्टम ये है कि हम लोग लूज सेल नहीं करते जी, लूज इन सेंस कि हमारे पास एक डीलर है, केवल वही अंडा उठाता है जो ऑथराइज है जी, बाकी हम किसी को अंडा नहीं बेचते यहाँ पे लूज। फार्म के अंदर कोई घुस नहीं सकता, कोई अंदर से बाहर का आदमी, सिक्योरिटी मजबूत है यहाँ। बाई सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए हमने क्या करा कि कोई भी बाहर का आदमी एंटर नहीं होता जी। अगर आप भी आए हो तो पहले हमने आपको हाइजीनिक किया है, तब आपको शेड के अंदर परमिशन। बिल्कुल, मैं भी अगर आऊंगा तो मैं भी हाइजीनिक होकर तब शेड के अंदर। बिल्कुल सर, लाइफ स्टॉक है वो सेंसिटिव होता है, और इसकी जो बर्ड की बीमारी है, जैसे नॉर्मल बीमारी मैं कहीं से आ रहा हूँ तो ये इसको बहुत जल्दी लगती है जी जी, और इसका लेइंग का प्रोसेस थोड़ा सेंसिटिव है। जैसे वीडियो की शुरुआत में उन्होंने बताया था, अभी यहाँ फिलहाल फार्म पे 90,000 बर्ड हैं जी, जी। और अभी जिस शेड में हम खड़े हैं यहाँ कितने बर्ड्स हैं? ये शेड अपने पास 15,000 बर्ड का है जी, एक केज में 5 बर्ड हैं जी जी, ऐसे इसमें पूरे छोटे छोटे केज सेक्शन बने हुए हैं जी। इस पूरा ये शेड है, ये 15,000 बर्ड का शेड है, 15,000 बर्ड्स हैं यहाँ पे। तो सर 90,000 बर्ड्स पे कितनी आपकी आउटपुट आ रही है अभी दिन की? मतलब आप अंडे वाइज एग्स का मान के चलिए हमारे पास 80-88% प्रोडक्शन रहता है जी, जिसमें हमारे 90,000 में से अभी करीब 70,000 बर्ड जो लेइंग पे है जी, बाकी जो भी लेइंग प्रोसेस में है, ब्रूडिंग में है, ग्रोइंग में है जी, तो अभी हमारे पास उस हिसाब से यहाँ पे परसेंटेज अब आ रहा है अंडे का जी, 80% के पास प्रोडक्शन आ जाता है। मतलब अराउंड 70,000 अंडे आपके पास हैं रोज? हाँ, रोज के डेली के। और मार्केट है इतनी अपनी मेरट में? अभी मेरठ में मार्केट तो अभी बहुत ज़्यादा अंडों की है, क्योंकि मेरे जैसे तो बहुत सारे फार्म अभी यहाँ अवेलेबल हैं, सबकी खपत मेरठ के अंदर ही है, उसके बाद खपत है हरियाणा से भी आता है जी। अच्छा सर, अब ये बताइए, जैसे इतना बड़ा फार्म है, आप खुद तो, आपका दूसरा भी काम है, आप खुद तो यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते जी, जी जी, तो आपने मैनेजमेंट कैसे संभाल रखा है यहाँ का? यहाँ पे हमारा बिल्कुल एक इंडस्ट्री तरह हमारा काम सिस्टम है कि हर शेड में लेबर है, 3-3 लेबर काम करती है यहाँ पे, उनका काम है फीड डालना, अंडा चुगना, शेड की सफाई वफाई करना जी जी, उसके ऊपर एक मैनेजर है हाँ जी, जो इनकी हेल्थ का, इन सब का ध्यान रखता है। मतलब एक प्रोसेस है पूरा, करीब 20-22 लोग पूरे फार्म में काम कर रहे हैं इस टाइम में जी जी, और सबका अपने भी एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सबको दी हुई है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम कर रहे हैं जी। तो मतलब यहाँ पे अराउंड मैं मानता हूँ 30-40 लोग तो होंगे जो संभाल रहे होंगे फार्म, जो 22 लोग तो हमारे शेड में काम कर रहे हैं जी जी, बाकी मैनेजमेंट में 4-5 लोग मैनेजमेंट में है, कि जैसे एक वाटर सिस्टम आप देख रहे हो तो ये पूरा लाइफ लाइन है इसका फार्म का जी, तो इसको मैनेज करने के लिए एक बंदा हमने पूरा अलग से लगाया हुआ है जो इनका वाटर का ध्यान रखेगा, कि वाटर की लाइन में कोई चौकेज तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर 3 लोग फीड मैनेजमेंट में है, जो फीड इनका मैनेज करते हैं वो अलग से है, वो फीड मिल में काम करते हैं, तो ओवरऑल देखो 30-32 लोग यहाँ फार्म पे काम करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपके पीछे ये ट्रे हैं तो इनका भी एक अच्छा खासा खर्चा होता होगा रोज इन्हें, मतलब ट्रे को लगाने में? ये अच्छा खासा खर्चा है, मतलब जितना आपका आ रहा है एक सारा हमें इसी में कलेक्ट करना पड़ता है, एक कम लूज नहीं सकते, तो ये भी एक अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट है। एक मेरे रिलेटिव हैं सचिन सिंधु जी, उनका हापुड़ में ये फैक्ट्री हमारे इससे लगवाया है, उनको फैक्ट्री है, उनका अपना ओन फैक्ट्री है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब एक पोल्ट्री जब डेवलप होती है तो कम से कम 4 लोग उसके वेंडर डेवलप कर देती है अपने, एक जो हमारा ग्रेन सप्लाई करता है, एक ट्रे सप्लाई करता है, एक जो टेडर अंडा उठा कर ले जा रहा है। तो मतलब एक पोल्ट्री लगने से क्या होता है कि ऐसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट है। ये ट्रे भी हमें पहले हम हरियाणा से मंगाते थे, अभी हमने अपना वेंडर डेवलप किया है हापुड़ के अंदर इसका ट्रे का। तो दोस्तों जैसे कि आपने सर का फार्म देखा, इतना बढ़िया यहाँ पे इन्होंने सिस्टम क्रिएट कर रखा है, और जैसे कि ये
यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं हर चीज़ में। एक इस पोल्ट्री फार्म से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जैसे कि सर ने बताया कि ट्रे के लिए भी इन्होंने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट दिया एक बंदे को, आपके रिलेटिव जो उसको हमने पूरा उसका मशीन सेटअप करवाया है, और भी यहाँ पे इनके गाँव के लोग काम कर रहे हैं। हमें अपने देश में इन जैसे लोगों की ही ज़रूरत है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म हो। तो मैं आशा करता हूँ आपको इनका फार्म पसंद आया होगा। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।